गुड मॉर्निंग दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली फ्रेश मार्केट में। 19 तारीख दिन मंगलवार, केशवपुर मंडी। दोस्तों अभी मौजूद हूं केशवपुर प्याज मंडी में। लाइव तस्वीरों में देखेंगे आज क्या कुछ बाजार है, किस तरह का माहौल है, क्या कुछ अराइवल है, किस किस जगह का माल देखने को मिला है, क्या कुछ रेट खुला है आज जो है कल के मुकाबले, क्या कुछ रेटों में उतार चढ़ाव है जी, क्या तेजी मंदी है, यह सारा जानकारी देंगे इस वीडियो के माध्यम से। और दोस्तों अभी मौजूद हूँ शॉप नंबर 44 में, भाई साहब के पास ये सामने गाड़ी लगी है जी, अभी खुला नहीं है, बाकी क्वालिटी पलटा हुआ है जी सर ने, बाकी देखते हैं दोस्तों सर के पास जो है क्या कुछ क्वालिटी है जी। कई लाट तो खुला हुआ है जी, काफी कट्टे देखने को मिल रहा है। देखो जी एक तो ये शायद लाट है जी, और एक ये है जी। आज के माल में कुछ मिक्स देखने को मिला, बाकी देख सकते हैं छिलका पत्ती वगैरह तो ठीक देखने को मिला दोस्तों, बाकी लाट अलग अलग है जी। देखो और एक देखो जी इधर, हाँ जी सर जी नमस्कार जी। नमस्कार सर जी। सर जी सबसे पहले तो थोड़ा आज का माहौल बताइए, आज मार्केट में जो है ग्राहकी कैसा नजर आ रहा है जी? और जी ग्राहकी ठीक है। अच्छा जी, आपको मैंने पहले भी बताया था अगर क्वालिटी बाजार होता है, क्वालिटी माल होता है तो बाजार हर टाइम उसका होता ही होता है, ग्राहकी उसकी होती ही होती है। अच्छा, आज आप जैसे कि देखेंगे आज थोड़ा माल अच्छी ग्रेडिंग के साथ अच्छी क्वालिटी के साथ आया हुआ है। अच्छा, तो उस हिसाब से आपको ग्राहक भी दुकान पे देखने को मिलेगा। अच्छा जी, हाँ जी। तो सर जी बात करें अराइवल का, तो आज मार्केट में कितनी गाड़ी है जी? सर 7 गाड़ी एमपी की है जी, और ये 1 गाड़ी पूना की है। अच्छा जी, हाँ जी। और ऊपर नीचे बैलेंस वगैरह सारा कुछ मिला करके टोटल कितना है? सर बैलेंस अगर दुकानों पे देखा जाए तो काफी पड़ा हुआ है जी। अगर गाड़ियों की बात की जाए तो आज आवक कम है, आज 7 ही गाड़ियां टोटल है। अच्छा जी, और बैलेंस वगैरह मिला करके टोटल कितनी गाड़ी होगी? बैलेंस लेके चलोगे जो फड़ पे उतरी हुई है गाड़ियां, तो हर गाड़ी हर दुकान पे आपको एक एक डेढ़ डेढ़ गाड़ी होगी, फिर 15 गाड़ी बन जाएंगी। अच्छा जी, लगभग 15 गाड़ी है, 15 गाड़ी होगी बैलेंस और फ्रेश मिला कर। फ्रेश फ्रेश जो है, फ्रेश अराइवल कम है सर, आज 7 ही गाड़ी है। अच्छा जी, 7 ही है जी। अच्छा, तो सर जी बात करें रेटों का, तो क्या कुछ रेट आज खुलता हुआ नजर आ रहा है, कल के मुकाबले क्या उतार चढ़ाव है जी? सर क्या है कि आज थोड़ा आपको देखिएगा मार्केट में जो आज ये जो गाड़ी में माल है ना, थोड़ा अच्छी क्वालिटी का है। अच्छा जी, तो आप ये वाला प्याज देखिए, एक ये क्वालिटी जी, एक ये आपके सामने पड़ी है। अच्छा जी, आपके सामने जितने आज ये सौदे पड़े हैं ना, सब बहुत अच्छी क्वालिटी और ग्रेडिंग के साथ आया हुआ है। अच्छा जी, तो आज इनका बाजार 26 रुपए किलो चला है। अच्छा, और सर ये जो जैसा कि इन लाटों में ये भी प्याज देखने को मिल रहा है सर, जैसे इसमें वो छोटे भी है, हाँ जी, हाँ जी। ये भी है 40 mm प्लस है, 55-60 mm के भी देखने को मिल रहा है, और छोटे भी देखने को मिल रहे हैं, तो इसका क्या है जी? इसका 23 रुपए बाजार चला। अच्छा जी, 23 रुपए, हाँ जी। एक लॉट आपको बीच में और देखने को मिलेगा। अच्छा, ये भी लॉट के बगल वाला। अच्छा जी, ये 1060 रुपए, 1060 रुपए, हाँ जी। तो पर केजी क्या रेट पड़ गया सर? ये आपको 26.5 रुपए, 26.5 रुपए। ये इसके बगल वाला जो लॉट है ये, अच्छा जी, ये बहुत सुपर प्याज क्वालिटी में है, अगर ये मीडियम चाल में है और बढ़िया प्याज है, ये आपको 24 रुपए देखने को मिलेगा। अच्छा जी, ये जो आप बता रहे हैं जिसमें आपको गोली गुलटा सब कुछ मिक्स देखने को मिल रहा है, ये वाला आपको 23 रुपए बिका है आज, 23 रुपए, हाँ जी। अच्छा जी, और जो सबसे आगे है सर जी, हाँ जी, वो 25 रुपए, वो 25 रुपए, हाँ जी, वो 25 रुपए। एक लाट ये भी देखिए आप। अच्छा जी, ये देखिए जी, ये भी 26 रुपए बिका है, ये भी 26 रुपए, हाँ जी। अच्छा, और एक सबसे आगे जहाँ पे जो ये लोग बैठे हैं सर, वो भी 26 रुपए। अच्छा जी, लेकिन साइनिंग जो है पत्तियों में, साइनिंग सर इस वाले लाट से ज्यादा दिख रहा है जी, इस वो वाले में। सर थोड़ा ये उसमें थोड़ी सी क्वालिटी ठीक है जो प्याज, पर उसमें थोड़ा सा दागी की शिकायत निकल रही थी। अच्छा अच्छा, हाँ जी, नहीं तो कलर पत्ती वगैरह तो साइनिंग बहुत अच्छा है जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो आज जो है टॉप से टॉप बाजार जो है कहाँ तक रहा जी? 1060 रुपए, 1060 टॉप बाजार जो उस वाले प्याज का। अच्छा जी, पर केजी की बात करें, पर केजी की बात करें तो 26.5 रुपए, 26.5 रुपए। अच्छा, और नीचे में, नीचे में 920 रुपए, 920, हाँ जी। पर केजी क्या रेट पड़ जाएगा सर? 23 रुपए किलो, 23 रुपए किलो। अच्छा जी, और एवरेज ज्यादातर माल किस रेंज में बिका सर? अगर एवरेज की बात करोगे तो फिर 920-940 यही चलेगा। अच्छा, 920-940 रुपए। एक्चुअली क्या है देखिए जी, सभी एमपी की गाड़ी है। अच्छा जी, इस अकेली गाड़ी की आप बात करेंगे तो इसका एवरेज माल है ना 23 रुपए, 23.5 रुपए बिका है। अच्छा जी, बाकी जो एमपी जो बिकेगा वो अलग बिकेगा, इसका टॉप का ब्याज की बात करेंगे तो वो 26 रुपए मान के चलिए। अच्छा जी, तो वो तो सर जी सभी एरिया पे डिपेंड करता है सर, किस एरिया से क्या क्वालिटी आ रहा है, ज्यादातर माल किस रेंज में आ रहा है जी। मैं वही बता रहा हूँ कि जो एरिया एरिया वाइज की बात है जी, बिल्कुल जी, हाँ जी। तो ये पूना बेल्ट का सर? हाँ जी सर, लांगड़ा, हाँ जी। अब इसमें एक सौदा ये भी देखने को मिलेगा। अच्छा जी, ये कोई नहीं मांग रहा क्योंकि किसी को पसंद भी नहीं आ रहा प्याज। अच्छा जी, हाँ जी,
इसमें क्या गोल्टी गोल्टा और डिसकलर है? आप देखिए ना, कलर नहीं है इसपे। अच्छा जी, कलर बिल्कुल भी नहीं है, व्हाइटनेस ज्यादा है जी। ब्लैक जो इस पे कार्बन की शिकायत है ना, अच्छा वो इस पे ज्यादा आ रही है। अच्छा अच्छा। और सर जी बात करें जैसे एमपी की, तो एमपी का क्या कुछ बाजार है जी? एमपी का सर आप देख के चलिए कि 18 रुपए से वही 20 रुपए तक बाजार है। बगल अच्छा में गाड़ियां लगी हुई हैं, बिक रही हैं 18 से लेकर के 20 रुपए। अच्छा। और सर जी जैसा कि अभी जो है फिलहाल जो बारिश हुआ रतलाम साइड में, एमपी के साइड में, तो सुनने में आ रहा जी जो जहाँ पे प्याज स्टॉक किया गया था तो उन साइडों में जो है पानी भर गया है, तो उससे क्या कुछ प्याज के क्वालिटी में खराबी पहुंचेगा, और ये क्या खबर सच है या क्या है जी? बिल्कुल सही है। अभी 2-3 दिन पहले जो बारिश हुई है उस वजह से काफी माहौल खराब तो हुआ है। बता रहे हैं कि पीछे भी है ना मंडियां बंद कर दी गई हैं कुछ दिन के लिए। अच्छा। कुछ रिपोर्ट ऐसी आई है कि नासिक की मंडियां ज्यादातर बंद हो गई है, और एमपी की वैसी आपको पता है कि क्वालिटी कैसी आती है। अब अगर बारिश पड़ने से और खराब हो गई तो और मंडी में गंदा आएगा। अच्छा। और थोड़ा हल्के सौदे आने शुरू हो जाएंगे। अच्छा। तो इससे तो सर जी पहले किसान बर्बाद थे जी, पहले कुदरत का मार पड़ गया जी, अब फिर लास्ट में जब प्याज जा रहा है जी इस टाइम भी कुदरत का मार पड़ रहा है, तो सर इसमें तो सर किसानों के पल्ले तो कुछ नहीं पड़ेगा जी। सर क्या कर सकते हैं, देखिए जो कुदरत के आगे किसकी जीत है जी, वो तो है जी, कुदरती मतलब देने वाला है, कुदरती लेने वाला है जी, वो तो बात है। लेकिन सर इस समय जो सिचुएशन देखने को मिला, क्या लग रहा है जो प्याज पुराने क्वालिटी वाले बचेंगे तो आने वाले दिनों में उनको भाव मिल पाएगा? बिल्कुल सर, अगर क्वालिटी माल बचेंगे तो आपको भाव बिल्कुल देखने को मिलेगा, क्योंकि क्वालिटी माल का बाजार, में हर बार आपको यही बताता हूँ कि क्वालिटी माल का बाजार हर समय रहता है। आप देखेंगे जिस टाइम भी अगर आप मंडी में आते हैं, जब भी मेरे पास क्वालिटी गाड़ी आती है ना, तो उस टाइम आपको ना मेरी दुकान पे ग्राहक आपको देखने को मिलेगा मिलेगा। अभी आज देखिए कि अगर एमपी की बाजार की गाड़ियों की बात करें तो 20 रुपए 21 रुपए माल इन सबको मिल सकता है, लेकिन आज भी ग्राहक 26-27 रुपए प्याज की खरीदारी कर रहे हैं। जी जी। अगर क्वालिटी माल होगा तो खरीदार बैठे हैं यहाँ पे, उनको चाहिए फिर बढ़िया प्याज। अच्छा। हाँ जी, मतलब अच्छे माल की तलाश में अभी भी लोग हैं। बिल्कुल है सर। अच्छा। अब आप ये लगाइए 8-15 गाड़ियों में एक गाड़ी क्वालिटी वाली है। अच्छा अच्छा। क्वालिटी माल की एक ही गाड़ी है, 15 गाड़ी। अच्छा, मतलब क्वालिटी का शॉर्टेज है। बिल्कुल सर, बिल्कुल है। अच्छा। और सर जी इस समय देखा जाए जैसे कि आपने बताया कि जो महाराष्ट्र में जो है नासिक साइड में मंडी बंद है, तो कारण क्या हो रहा है सर? और ये क्या अभी प्रॉपर खबर आया है जो मंडी बंद है या क्या है? सर अभी प्रॉपर खबर तो मेरे पास नहीं आई, पर सुनने में आया है 2-3 जगह से कि ऐसे कि बाजार वहाँ पे मंडियां बंद कर दी जा रही हैं। अच्छा, क्योंकि पढ़ते नहीं लग रहे सर। अच्छा, अगर आप एमपी ये सॉरी महाराष्ट्र के बाजार की बात करेंगे तो वहाँ पे पीछे खरीदारी 20-21-22 तक की हो रही है। अच्छा जी। फिर उसके बाद 5 रुपए का आप एक्स्ट्रा खर्चा मान लीजिए, जो मंडी आते आते उनको व्यापारियों को प्याज पड़ जाता है। अच्छा जी। तो उस हिसाब से मंडी में प्याज का रेट कम से कम 27 रुपए बिकना ही बिकना चाहिए। तो जब वो रेट नहीं मिलेगा तो व्यापारी क्यों भेजेगा हमारी मंडी में प्याज? जी जी। ये वजह सर व्यापारी की तो बात है ही सर, और फिर प्लस जो है इस समय किसानों को भी कोई परेशानी आ रहा है। हाँ जी, हाँ जी, है ना जी, क्योंकि अगर उनका माल वहाँ पे भी अगर पॉइंट में अगर 18 रुपए 15 रुपए 20 रुपए, क्योंकि इस भाव में भी बिक रहा है ज्यादातर माल, ज्यादातर माल शायद 15 रुपए 18 रुपए इस भाव में बिक रहा होगा किसानों का माल, तो अगर इस भाव में भी बिकेगा तो मेरे हिसाब से वो इक्वल में छूटेंगे या फिर पड़ता थोड़ा बहुत नुकसान में रहेंगे ही रहेंगे सर किसान। उनको भी मतलब अच्छे रेट मिलना चाहिए, और व्यापारी को भी व्यापार करना है तो सर यहाँ पे मार्केट में अच्छा रेट मिलना चाहिए, तभी व्यापारी भी व्यापार कर पाएगा या फिर किसान भी माल व्यापारी को दे पाएगा, अगर उनको भी अच्छे रेट नहीं मिलेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। तो सर क्या लगता है अगर ये मंडी अगर बंद होता है तो उससे कुछ बाजार में प्रभाव पड़ेगा जी? बिल्कुल सर, प्रभाव पड़ेगा। अगर माल की आवक कम होगी तो अपने आप डिमांड यहाँ पे बढ़ेगी और फिर रेट भी बढ़ेगा। लेकिन सर अभी जैसा कि देखा जा रहा है प्याज का भी ज्यादा दिन नहीं बचा है जी, मतलब टाइम कम है नए प्याज आने में भी और पुराने प्याज खत्म होने में, तो अगर मंडी बंद करते हैं तो क्वालिटी में भी क्या प्रभाव पड़ सकते हैं? सर देखिए, अगर वो जल्दी प्याज को नहीं निकालेंगे, अगर क्वालिटी बाजार क्वालिटी माल निकाल देता तो ठीक है, अगर हल्के माल रोक के जाएंगे तो और डैमेज देखने को मिलेगा। अच्छा जी, मतलब हल्का माल का ही नुकसान है, किसानों का नुकसान है। मतलब अगर हल्के माल है तो वो धीरे धीरे निकालते रहे अपना माल, हल्के वाले रोके ना, है ना जी? बिल्कुल भी ना रोके, मैं तो कहूंगा बल्कि क्वालिटी माल भी ना रोके, अगर उन्हें पड़ता लगेगा तो बिल्कुल ना रोके, निकाला जाए माल की मंडी में आएगा तभी तो उन्हें भी 2-4 पैसे मिलेंगे। जी जी। मतलब अपना क्वालिटी देखो जी, और समय को देखो, और रेट देखो जी, मार्केट में असल में आपको पड़ता आ रहा है, बाकी आप खुद समझदार है किसान भाई, अपने समझदारी से काम करे, है ना जी, ज्यादा दूसरे के बहकावे में भी ना आए, बस अपना मार्केट देखे, उनके पास खुद 10 जनों का कॉन्टेक्ट नंबर है जी। हाँ जी बिल्कुल, है ना जी। सर किसानों के लिए क्या राय रहेगा जी आपका? सर किसानों भाई को, किसान भाइयों के लिए यही राय रहेगी कि अपना समय के हिसाब से वक्त को देखकर अपने प्याज को निकालें,
वहाँ पे उसे ज्यादा रोके ना, क्योंकि क्वालिटी नहीं है प्याज की। अगर क्वालिटी और बिगड़ गई तो आपको पड़ते नहीं लगेंगे और भाव नहीं मिलेगा। अच्छा। अगर आपको थोड़ा चाहिए कि कम नुकसान हो, अगर नुकसान तो देखिए किसानों को हो रहा है, वो तो सभी जानते हैं कि किसानों को 101% नुकसान हो रहा है, बट ये है कि अगर ज्यादा नुकसान से बचना है तो प्याज को निकालें, मंडियों में भेजें और बिकवाएं। आप अपना थोड़ा सा पड़ता जिस हिसाब से लगता है उस हिसाब से देखकर उसको निकालें और बेचें। ओके जी, हाँ जी। एक बार सर जी शॉप नंबर कॉन्टेक्ट नंबर बता दो जी। सर केशवपुर मंडी शॉप नंबर 44 प्रदीप कुमार एंड सन्स, नाम मेरा आशु, मोबाइल नंबर 9654273364। धन्यवाद जी।